हेलो ट्रेडर्स, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का एक नई वीडियो में। आज के इस वीडियो में बात करेंगे बैंक निफ्टी और निफ्टी के चार्ट की। देखेंगे कल के दिन, हाँ फ्राइडे के दिन इसमें कैसी मूवमेंट देखने को मिल सकती है, कौन से इंपॉर्टेंट लेवल हो सकते हैं जिनमें आपको फ्राइडे के दिन ट्रेड करने को मिल सकता है और आप एक अच्छा प्रॉफिट कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं बैंक निफ्टी के आज की मूवमेंट की। मैंने आपको कल की वीडियो बताया था कि बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ट्रायंगल पैटर्न बनाया हुआ है। अगर यहाँ से अपने ट्रायंगल को ब्रेक करेगा, अपसाइड में निकलेगा या डाउन साइड में निकलेगा, तो हमें एक अच्छा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। लेकिन आज अगर आप नोटिस करोगे तो आज के दिन मार्केट काफी साइडवेज था। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि अगर ये नीचे को निकलता है 34,680 के नीचे, तो फिर आपको 15,510 के आसपास का टारगेट देखने को मिल सकता है। देखिए, सबसे पहले तो इसने ओपन किया 34,600 पर, लेकिन मैंने जो एंट्री का लेवल दिया था 34,680 के आसपास का, बैंक निफ्टी ऊपर गया और आपको वहां पर आपको एंट्री का लेवल जरूर देखने को मिला। वहां से फिर लो लगाया इसने 34,536 का, तो आप वहां पर प्रॉफिट बुक कर सकते थे 150 पॉइंट का, काफी इजी प्रॉफिट था। बात करें बाई साइड की, मैंने बताया था अगर बैंक निफ्टी यहां से 34,900 के ऊपर निकलेगा तो ही आपको इसमें बाई करना है। यहां पर आप देखोगे अगर इस लेवल के ऊपर, मैंने इस लेवल के ऊपर आपको बताया था कि अगर यहां से 34,900 के ऊपर निकलता है तो आपको इसमें बाई साइड देखने को मिल सकता है। यहां से बैंक निफ्टी ने इसको ब्रेक भी किया और हाई भी लगाया 35,030-40 के आसपास का। हालांकि लास्ट एंट्री में इसने जरूर हाई लगाया 35,110 का, लेकिन अब सवाल ये उठता है कि हमें कल के दिन इसमें क्या करना है। तो देखिए, अब हमें सारी चीजों को छोड़ देना है। बैंक निफ्टी ने यहाँ पर एक ब्रेकआउट दिया हुआ है, अगर आप यहाँ पर नोटिस करोगे तो इसने एक अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है। यहाँ पर मैं इस रेजिस्टेंस को थोड़ा सा बड़ा कर दे रहा हूँ ताकि आपको समझने में काफी आसानी हो। यहाँ पर अगर आप देखो तो इसने अपने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया हुआ है, और अब हमें कल के दिन जैसे ही बैंक निफ्टी अपने आज के डे के हाई को ब्रेक करेगा तो उसमें आपको एंट्री देखने को मिल सकती है, और काफी इजी टारगेट आपको मिल सकता है देखने को 35,350 के आसपास का, जो कि हमारा आप देखोगे 24 तारीख का डे हाई था। और उससे पहले अगर मैं यहाँ पर आपको हॉर्ली चार्ट पर दिखाऊं तो वो सेम रेजिस्टेंस हमें पहले भी देखने को मिला था जो कि इस कैंडल का था। यहां पर अगर आप देखोगे तो ये सेम रेजिस्टेंस हमें पहले भी इसमें देखने को मिल चुका है यहाँ पर 35,400 के आसपास का, लेकिन इसने यहाँ पर 35,350 के आसपास से रिटर्न दे दिया था। तो सेम चीज हमें फिर से देखने को मिल सकती है, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। जब ये 35,000 इसने आज हाई लगाया 35,110 का, जब इसके ऊपर निकलता है निफ्टी 35,120-130 के ऊपर, तो आपको वहां पर एंट्री करने को मिल सकती है। टारगेट की बात करें तो टारगेट देखिए, सबसे पहले तो आपको 35,270, 250, 250 के आसपास अगर आप टारगेट रखोगे तो आपकी इंटर डेली काफी सेफ टारगेट हो सकता है और आपका टारगेट काफी आसानी से अचीव हो सकता है। जब 35,250 के ऊपर निकलता है आप स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए, आप अगला टारगेट रख सकते हो 35,350 का। उसके बाद कर हम देखेंगे, उसके बाद अगर यहां से बैंक निफ्टी निकलता है, देखिए फ्राइडे दिन एक बड़ी मूवमेंट की मुझे उम्मीद है नहीं। बैंक निफ्टी में अगर बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिलती है तो फिर कुछ भी कहा नहीं जा सकता, लेकिन अगर जैसा कि बड़ी मूवमेंट अगर देखने को नहीं मिलती है तो बैंक निफ्टी का रेंज हमें 35,400 के आसपास से फिर से एक रिटर्न देखने को मिल सकता है। बात करते हैं अगर देखिए, बात करें अगर डे कैंडल में, तो डे में बैंक निफ्टी एक रेंज में फंस गया है। यहां पर अगर आप नोटिस करोगे तो बैंक निफ्टी पिछले 4-5 दिनों से एक छोटे से रेंज में फंसा हुआ है। ये लगातार इसी के अंदर आप देखोगे ये ट्रेड कर रहा है, तो इस रेंज से जब बाहर निकलेगा तो निश्चित में बड़ी मूवमेंट देखने को मिलेगी। ये डिसाइड बैंक निफ्टी को करने देना कि वो अपसाइड में जाता है या डाउन साइड में जाता है, क्योंकि पिछले 2 दिनों में जितनी भी बड़ी गिरावट हमें देखने को मिली, आप देखोगे पिछले 2 दिनों की गिरावट को बैंक निफ्टी ने आज के अपने सिर्फ एक ब्लू कैंडल से सारा कवर कर दिया है। और अगर कल के दिन बैंक निफ्टी अपने आज के डे के हाई को ब्रेक करता है तो फिर हमारा टारगेट सीधे 35,350 का ही होगा। बात करेंगे सेल साइड की, अगर बैंक निफ्टी नीचे को निकलता है, अगर अपसाइड में नहीं जाता तो फिर आपको क्या करना है। तो उसके लिए बैंक निफ्टी जब अगर ऊपर ओपन होने के बाद, देखिए अगर बैंक निफ्टी नीचे को ओपन होता है तो फिर आपको ये देखना है कि अगर ये बीच में यहाँ पर आप देखोगे 34,900-850 के आसपास ओपन करता है, तो फिर वहां से आपको एक सेल की अपॉर्चुनिटी देखने को मिल सकती है 34,600 के टारगेट के लिए। आसान से टारगेट लिया 34,700 का टारगेट भी रख सकते हो। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर 34,550 का टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर बैंक निफ्टी कल थोड़ा सा गैप ओपन होने के बाद वहां से डाउनग्रेड दिखाता है तो जब ये 35,000 नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो वहां से आप सेल साइड कर सकते हो, तो फिर आपको फिर भी ये सेम टारगेट आपको देखने को मिल सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी की।
लेकिन निफ्टी के मूवमेंट अगर आप बात करें तो निफ्टी में कोई बड़ी मूवमेंट हमें देखने को मिली नहीं, मार्केट साइड वेज था। आप देखोगे एक्सपायरी के दिन जल्दी ऐसा होता नहीं, लेकिन आप देखोगे बैंक निफ्टी का आज का डे हाई रहा 15,365 का और लो रहा 15,274 का, 100 पॉइंट से भी कम में बैंक निफ्टी ने आज पूरे दिन ट्रेड किया हुआ है। इसीलिए हमें कुछ में बड़ी मूवमेंट देखने को मिली नहीं, कल की वीडियो के लेवल के हिसाब से कोई भी हमें अच्छा रिस्पॉन्स देखने को नहीं मिला। हालांकि मैंने आपको बताया था जो 15,330 के ऊपर जाएगा तो हमें 15,400 का टारगेट देखने को मिल सकता है। हालांकि इसने सिर्फ हाई लगाया 15,364.65 रुपए का, सिर्फ 30-40 पॉइंट का मूवमेंट देखने को मिला मार्केट साइड बेच की वजह से। अब अगर यहाँ से बैंक निफ्टी अपने इस रेंज को ब्रेक करता है, और रेंज आप देख पा रहे हो इस रेंज के ऊपर या नीचे ही उसमें ट्रेड करेंगे, अगर ये बीच में जब तक सर्वाइव करता हमें इसमें इससे दूर रहना है। आप चाहो तो आप ऑर्डर लगा के छोड़ सकते हो। ऑर्डर की बात करें तो देखिए लेवल इसमें बिल्कुल भी हमें देखने की जरूरत नहीं है, सारे लेवल हमारे आंखों के सामने हैं। 15,365 इसने हाई लगा हुआ है, जब भी बैंक निफ्टी 15,370 के ऊपर निकलता है आप इसमें एंट्री कर सकते हो। स्टॉप लॉस आप यहाँ पर आज के डे का लो रख सकते हो 15,270 का, आप 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखते हैं, आप 100 पॉइंट के टारगेट की काफी आसानी से जा सकते हो। सेम चीज आपको सेल साइड में करनी है, 15,260 के अगर नीचे निकलता है तो आप इसमें सेल कर सकते हो 15,360 का स्टॉप लॉस लगाकर, टारगेट काफी इजिली आपको 100 पॉइंट देखने को मिल जाएगा। तो होप करता हूँ आपको वीडियो जरूर से कुछ पसंद आई होगी। अगर आपको इस वीडियो से थोड़ा भी सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि आपको रोजाना ऐसे ही इंटरेक्टिव की वीडियो मिलती रहे, आपको बैंक निफ्टी निफ्टी के चार्ट एनालिसिस की वीडियो मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो देखने का बहुत बहुत धन्यवाद।